नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट में, काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि स्टॉक्स रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बारे में मुझे एक वीडियो लेके आना चाहिए, तो आज मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में स्टॉक्स रिलेटेड जो अपडेट है उसकी हम लोग बात करेंगे। स्टॉक का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक के कैसे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं स्टॉक के वो आपको पता पड़ जाएंगे। देखेंगे एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, क्या डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंटली, तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज क्या है। सो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज एक्वायर्स यूएस बेस्ड डेटा मैनेजमेंट कंपनी फॉर $8 मिलियन। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड एक्वायर्ड यूएस बेस्ड ई कॉमर्स एंड डेटा मैनेजमेंट फर्म पिमकोर ग्लोबल सर्विसेज फॉर $8.3 मिलियन। तो देखिए, अगर कोई इंडियन फर्म किसी भी बाहर की कंपनी को एक्वायर करती है तो काफी मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है, और डेफिनेटली अच्छी बात है। आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो मतलब आपकी बैलेंस शीट अच्छी है एंड यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, दिस इज गुड फॉर द कंपनी। उसके बाद आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स पार्टनर विद यूके बेस्ड कंपनी फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। द पार्टनरशिप एंटेल्स ऑफरिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन विच डिलीवर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन एट स्केल अकॉर्डिंग टू मंडे फाइलिंग। तो दोनों न्यूज काफी पॉजिटिव है। डेफिनेटली कंपनी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड वर्क। दोस्तों, अब अगर कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं दिस कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ आईओटी। आईओटी इज बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वर्क है उसको आप बोल सकते हैं दैट कम्स अंडर आईओटी। डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आरपीए। आरपीए इज बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स। ब्लॉकचेन में काम करती है कंपनी, क्लाउड पे काम करती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स नाउअडेज फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज। बीपीएम एंड इंटीग्रेशन सिक्योरिटी। अगर सेक्टर्स की बात करें सो दे आर इन सेक्टर ऑफ बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आप कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। एडुटेक, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, रिटेल एंड ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जो मेन सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं सारे सेक्टर्स को इस कंपनी ने कवर कर रखा है, सबको अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब इस कंपनी का फ्यूचर में भी मुझे काफी अच्छा ग्रोथ क्यों लगता है, तो देखिए, जैसे हमने देखा कि बीएफएसआई सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो जितनी भी बैंक्स हैं उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं तो उनको सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत है। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो जैसे आपको पता है बायजूस हो गई, व्हाइट हैट जूनियर हो गया, जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं आजकल काफी सारे बच्चे इन पे पढ़ाई कर रहे हैं और इनको भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या रिटेल सेक्टर की बात करें, अगर रिटेल का पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लें तो जैसे बिग बास्केट हो गया, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, बिग बाजार हो गया, सबकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सबको आप कह सकते हैं अपना जो बिजनेस है वो चाहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोग यूज करें ताकि उनको भी इजी हो और उनका बिजनेस बढ़े। और अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ भी जाएं तो आप देख सकते हैं जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिससे हम लोग होटल बुक करते हैं, लाइक क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम, ओयो रूम्स, सबकी मोबाइल एप्लीकेशन है। तो नटशेल में हम बोल सकते हैं कि सारा वर्ल्ड, सारा वर्क अभी मोबाइल पे आ गया है और उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत बहुत है। और ये कंपनी क्योंकि इस सेक्टर में काम कर रही है तो फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अब अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा भागा है स्टॉक, 5.92%। लेकिन एक जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है, तो हो सकता है उस दिन स्टॉक में ट्रेडिंग काफी हुई हो। दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो 5,851.04 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। डेट कंपनी के ऊपर जरूर है थोड़ा बहुत, बिकॉज कैश अवेलेबल इज 43 एंड 78.43 करोड़ इज डेट। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है कंपनी का। प्राइस टू अर्न रेशियो अभी जरूर थोड़ा ज्यादा है।
अगर फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ बड़ी है, 2 साल का ही डेटा है हमारे पास 19 और 20 का, तो सेल्स ग्रोथ दोनों सालों में बड़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है कंपनी की, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने पिछले 2 सालों में काफी इंप्रूव की है, अगर 3 साल का एवरेज देखें तो 38.89 है, अच्छी वैल्यू है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3 साल की वैल्यू 19.38 है और 1 साल की वैल्यू काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 है, डेफिनेटली जैसा हमने देखा थोड़ी बहुत डेट है कंपनी के ऊपर, सो इट इज बीन रिफ्लेक्टेड हियर। शेयर होल्डिंग के मामले में कंपनी काफी अच्छी लग रही है, अगस्त 2019 में 40.88% का प्रमोटर का होल्डिंग था, काफी अच्छा आप कह सकते हैं इंक्रीज किया है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 53.25 की है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ। दोस्तों अब कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं, तो दिसंबर में आप देख सकते हैं सितंबर से दिसंबर में काफी अच्छा प्रॉफिट का जंप है, सितंबर में था 34 करोड़, दिसंबर में हुआ 42। दोस्तों जब भी किसी भी कंपनी के आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखेगी, फ्लक्चुएशन दिखेगा, ईयर टू ईयर रिजल्ट में हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ कंपनी ईयर टू ईयर अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, लेकिन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको लगता है एक बार कंपनी ने एक्स अमाउंट किया है, एक बार एक्स माइनस 10 किया है या एक बार एक्स प्लस 10 किया है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको ये देखना है कि कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस में ना हो, हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हो या थोड़ा कम हो, बट कंपनी शुड नॉट बी इन लॉस इन क्वार्टर टू क्वार्टर, अगर कंपनी लॉस में जाती है इसका मतलब है कंपनी के रिजल्ट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, सो इट इज अ रेड साइन। सो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूअसली इट इज मेकिंग प्रॉफिट, सो इट इज अ गुड साइन। अब अगर ईयर टू ईयर की भी बात करें तो हमारे पास मार्च 2020 का डेटा है, ट्रेलिंग 12 मंथ है, 2019 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, मार्च 2020 में 72 रिपोर्ट किया, ट्रेलिंग 12 मंथ इज वेरी इंप्रेसिव 132। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के मार्च 2020 और सितंबर 2020 की वैल्यू देखें तो बड़े हैं, मार्च 2019 में जरूर नेगेटिव थे। बोरिंग्स की बात करें तो अच्छा पॉइंट ये है कि कंपनी इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग इट्स बोरिंग, सो इट इज अ पॉजिटिव साइन। कैश फ्लो की बात करें तो अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यूअसली अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इंक्रीज कर रही है और नेट कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव इफ यू टॉक अबाउट मार्च 2020। सो जब भी आप लोग किसी भी कंपनी के कैश फ्लो देखें सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। चलिए अब स्टॉक का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सितंबर में जब आईपीओ आया था उसके बाद आप देख सकते हैं काफी ज्यादा करेक्शन हुआ, उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी भी हो गई स्टॉक में। ये जो थिक ब्लू लाइन है ये है इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन और ये जो थिक रेड लाइन है ये है इसकी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस लाइन। इस रेजिस्टेंस लाइन को आप देखिए रिसेंटली स्टॉक ने कट किया, ऊपर गया और दोबारा बीयर्स ने इसको नीचे खींच लिया, अभी दोबारा इस रेड लाइन के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर RSI की बात करेंगे तो 72 से ऊपर का RSI है, ओवरबॉट जोन में है, तो डेफिनेटली ये भी हमें दिखा रहा है कि स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है तो 370-380 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन होता है 500-800 पॉइंट निफ्टी 50 गिर जाता है, निफ्टी आईटी में भी गिरावट होती है, तो मेरे हिसाब से 350-360 के आसपास के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, सो नाउ This is, in my opinion, this is not the right time. अभी काफी स्टॉक भागा हुआ है, RSI भी 70 से ऊपर है, चांसेस ज्यादा है कि गिरेगा, हो सकता है ऊपर भी जाए, बट रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड कम है। मेरे हिसाब से अच्छे लेवल पे आप इसको लीजिए, 350-360 का लेवल अच्छा है, मार्केट थोड़ा गिरता है तो यहाँ आपको मिल सकता है, तो यहाँ आप लोग अपने GTT ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। और ये जो लेवल्स हैं और डेफिनेटली मेरा जो ओपिनियन है वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए है, जब भी आप इस स्टॉक खरीदें तो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा बिजनेस है कंपनी का, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जैसे हम बात करते हैं कि फ्यूचर में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है काफी अच्छा करेंगे। सेक्टर्स की जैसे हमने बात की तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स इस कंपनी ने कवर किए हुए हैं, तो मेरे को लगता है फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी कंपनीज आप अच्छे लेवल पे खरीदें, तो मार्केट में गिरावट पे शेयर आपको मिलता है तो आप सोच सकते हैं इसमें बाय करने के लिए। बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग, प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी इनपुट एनी कमेंट रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड रिगार्डिंग द चैनल प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।